तो चलिए सवाल नंबर 11 देखिए मित्रों। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -3 और -5, 9 को मिलाने वाली रेखा को 2:15 के अनुपात में विभक्त करता है। यानी अनुपात का नाम ले लिया है तो क्या करोगे, M1 या M2 लगाओगे। चलिए हम देख लेते हैं, इधर इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलो अब क्या होगा, देखो इसका हम बिंदु पहले बना लिए हैं, सवाल नंबर 11 हल। उसके बाद भी ए बी बिंदु है, उसके बाद मैंने बिंदु रख दिया, M1 M2 ऊपर रखा है, XY बीच में रखा गया है। चलिए हम देख लेते हैं, अब लिखेंगे क्या, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र कैसे लिखेंगे। विभाजन सूत्र होता है X into Y बराबर क्या होता है, पहले M1 X2 प्लस M2 X1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 12:21, कैसे भी बताता हूँ, M1 प्लस M2 ये सूत्र है। और दूसरा है जैसे हम M लिखे, MY लिख दिए, MY और प्लस MY इतना लिखे, हम क्या लिखेंगे 12:21। देखो 12:21 बन गया ना, वही चीज़ यहाँ बन गया, देखो बटे M1 प्लस M2 ये सूत्र है, M1 प्लस M2। चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, M1 प्लस M2, चलो बड़ा हो गया थोड़ा, M1/M2। लिख लीजिए, अब क्या करेंगे, M1 M2 हो गया, अब इसी पर रख देते हैं XY स्थान पे। अब XY है, XY = अब क्या हो जाएगा, देखो अब M1 कितना है, 2 गुड़े X2 कितना है, X2 -5 रखूँ, प्लस M2 कितना है, 15 गुड़े X1 कितना है, 1 अपान M1 2 प्लस 15 हो जाएगा, एम इंटू M1 कितना है, M1 कितना है, 2, फिर M1 2 हो गया, फिर Y2 कितना है, 9, प्लस M2 कितना है, 15, Y1 कितना है, -3, फिर M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 15। अब इतना लिख लेंगे, अब इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे XY = बराबर 5×10, चलो लिखो -10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 15 को 1 से गुणा करोगे 15 ही आएगा, अब बटे 17, 2 प्लस 15 = 17। अब इतना हो गया, अब उसके बाद फिर 9×18, अब उसके बाद फिर अब यहाँ पे देखो प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा, माइनस अब 15×3 = 45 बटे 15×2 = 17। चलिए अब घटाइए, XY बराबर, अब इधर देखो प्लस 15 है -10 है, और 10 15 में से 10 गए 5 आएगा, 5/17 ये इतना लिख लीजिए। अब उसके बाद देखो 45 में से 18 गए कितना आएगा, मैंने 15 15 में से 8 गए 7 और उसके बाद 3 में से 1 गए 2 27 आएगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, -27/17 यही कर दीजिए आंसर मित्रों, यही आंसर आ जाएगा, यही कर दीजिए आंसर। चलो इसको बंद करो पीड़े में, यही आंसर हो जाएगा। तो मित्रों जो सवाल नंबर 11 का आंसर आया है क्या, XY = 5/17 - 27/17 ये नोट कर लीजिए आप। उसके बाद देखो इसमें भी है विकल्प 27/17 80 सही है, अब हाँ 80 सही है, अब उसमें कौन सही, पिछले वाले में देखो, पिछले वाले -2/8 इसमें भी सी सही है, सी दोनों में सही विकल्प, नोट कर लीजिए इसको। इसी के साथ मित्रों अब चलिए अब दूसरा पेपर है 11/12 जो है अगले से थोड़ा हम स्टार्ट कर देते हैं। 11 तक हो गया सवाल, अब 12 तक देखिए, 12 से
12 से पेपर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए 12 नंबर देखो, देखो पेपर नंबर 12 क्या है, देखते रहिए आप। देखो क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी, ठीक, उसके बाद फिर चलो ये निशान है डेल्टा, उसके बाद फिर या इसका कम मतलब कम अधिक कुछ भी, या त्रिभुज पी की वार, फिर त्रिभुज एबीसी की परिमाप 32 सेमी है, तो त्रिभुज पी की वार की परिभाषा परिमाप 48 सेमी और पीआर बराबर 6 सेमी, तो एसी की लंबाई बराबर होगी 9, 4, 8, 18 सेमी। चलिए हम लगाते हैं इसको, चलिए हम बनाते हैं मित्रों अब क्या, सवाल नंबर 12। चलो सवाल नंबर 12 हल, सवाल नंबर 12, उसके बाद फिर हम दो बनाते हैं क्या, दो त्रिभुज बना लेते हैं, दो त्रिभुज बनाएंगे, एक ऐसे एक ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे, क्या करेंगे, ए बी सी, ए बी सी, और उसके बाद पी की वार, पी क्यू आर, पी की वार देखो इधर क्या आएगा, 6 सेमी, 6 सेमी लिख दो, इधर 6 सेमी लिख दो, और उसके बाद और क्या है, पी आर बराबर 6 सेमी, पी आर बराबर 6 सेमी है, और आगे क्या है परिमाप, अच्छा ए बी सी, बस इतना ही लिखूँ। फिर लिखेंगे क्या, त्रिभुज, त्रिभुज उसके बाद फिर देखो त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, उसके बाद फिर पी की वार, पी की वार, अब पी, पी वन बराबर, पी वन बराबर है 32 सेंटीमीटर, 32 सेमी, 32 सेमी, अब पी टू बराबर 48 सेमी, 48 सेमी, पी आर बराबर, पी आर बराबर 6 सेमी, ए सी बराबर, ए सी बराबर इतना, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, चलो बी सी इजिकल टू 32, 32 हो गया भैया, और उसके बाद फिर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, आर पी इजिकल टू 48, तो इधर क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, तो ए बी अपान, ए बी अपान पी क्यू, देखो पहले ए लिखा जाए फिर पी क्यू लिखे, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान, ए सी अपान फिर हो जाए पी आर, पी आर इज इक्वल टू बी सी, बी सी अपान, बी सी अपान क्यू आर, क्यू आर मतलब ए बी ए सी बी सी, आप सब क्या करेंगे आपस जोड़ दीजिए, चलो यहीं पे लिख लो, चलो जोड़ो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपान पी क्यू प्लस पी आर, पी आर प्लस, पी आर प्लस और क्या होगा, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर हो गया। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो इतना पहले नोट कर लीजिए, अब देखो अब आपको मान निकालना है, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, क्योंकि मान किसका निकालना है, ए सी की लंबाई, ए सी देखो ए सी पी आर बराबर इतना है, देखो ए सी, ए सी निकालना है, ए सी निकालना है, ए सी निकालना, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीन लिए हैं ले लीजिए स्क्रीन, चलो चलो ले लीजिए अब। चलिए अब क्या हो जाएगा, तो मान निकालना है ए सी बटे पी आर, लिखो ए सी बटे पी आर, क्योंकि जो पूछा है उसी का मान निकालेंगे, पी आर बराबर ए सी बराबर दिया है कितना 32, ए सी बराबर होगा 32, अब पी आर बराबर कितना है 48 है, पी वन पी टू वही ना, पी आर बराबर 48 कर दीजिए, 48 हो जाएगा,
16 दूनी 32 और 16 तिया 48, यानी 2/3 आ गया। तो AC बराबर आएगा, AC इजिक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इजिक्वल टू 2/3 और गुड़े छः हो गया। अब क्या हो जाएगा, 3 91 3 और 3 2 6 हो जाएगा। तो AC बराबर आएगा मित्रों, AC इजिक्वल टू 4 सेमी, यानी 2 a 2 a, देखो 2 × 2 = 4, तो AC बराबर 4 सेमी। इसी कर दीजिए क्या आंसर, चलो लिखो आंसर, आंसर चलो लिखो। तो सवाल नंबर जो 12 का आंसर फाइनल आया है, क्या आया है, 4 सेमी, चलो 4 सेमी आया है, इसी कर दीजिए ठीक। अब अगला सवाल देखिए, 13 सवाल, समीकरण x²-3x-18=0 के मूल ज्ञात कीजिए, ऐसे मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए मित्रों हम क्या करेंगे, मूल हम ज्ञात करने के लिए सवाल नंबर हम 13 लगाएंगे। चलिए सवाल नंबर 13 मूल ज्ञात करना है। समीकरण क्या लिखा था, फिर से एक बार हम रिवाइजिंग कर लें। सवाल नंबर 13 देखो, हल समीकरण क्या है, समीकरण है आपका, लिखो समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण x²-3x-18=0। अब इसमें के मूल ज्ञात करना है, के मूल, ठीक है, के मूल हैं, चलो लिख लो हैं, चलो के मूल हैं। अब हम क्या करेंगे, चलो हम करते हैं देखो, चलो फिर लिखा देते हैं x²-3x-18=0। x² देखो, अब क्या है, पहले गुणा तीसरा, जोड़ घटा के दूसरा, ठीक, जैसे 18 है, 18x, ऐसे समझा देते हैं आपको एक बार, 18x आ गया, 18 का ऐसा गुणनखंड करूं कि गुणा करने पे आए, पहले का गुणा तीसरा, जोड़ घटा के दूसरा, दोहा है, तो 6 × 3 = 18, 6 × 3 यानी 6x 3x। अब जोड़ेंगे घटाएंगे, अब 6 में से 3 गए, अंतर कितना आएगा, 3 आएगा, तो इसका कम्बिनेशन सही कम्बिनेशन बन गया। तो लिखो क्या, x²-6x+3 - 18=0, इतना लिखे। अब उसके बाद फिर क्या आएगा, देखो उसके बाद आएगा, देखो 2 है x, इसमें x कॉमन करो, x का, अब यहाँ 6 लगाओ, +3, अब 1x यहाँ कॉमन करो, और 3 × 3 को इससे भाग दो, कितना आएगा, ये प्लस है, -, 3 × 6 = 18 = 0, कॉमन कर लिए। उसके बाद फिर क्या आएगा, देखो अब पहले ब्रेक जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, ये देखो बराबर आ गया ना, तो x - 6, और दूसरे ब्रेकेट में आएगा x+3। तो अब क्या करेंगे, देखो मित्रों, x-6=0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, चलो पहला आंसर आ गया आपका। इसी तरह दूसरा आंसर लो, x+3 = 0, तो x बराबर क्या है, -3, चलो दूसरा आ गया। तो जो मूल आएगा, देखिए इसमें क्या है, अगर ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, तो मूल क्या दिया है, मूल -3 है। अब इस लिख लीजिए, x बराबर क्या आएगा, -3 आया है, और क्या है, 6 आया है, यही आंसर आ जाएगा, लिखो यही आंसर लिख लो। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको समझ में आ गया होगा, देखो इसका आंसर भी आ गया, देखो -3 6, यही तो है। अब क्या है 14 नंबर, देखो यदि HCF 306 × 657 = 9 दिया है, तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। अब इसमें ज्ञात करना है, चलो देखो ऐसे स्क्रीन शॉट ऐसे ले लो, चलो 14 नंबर देख लो, 14 नंबर की स्क्रीन ले लीजिए, चलो 14 का हल क्या है। अब देखो HCF बराबर, देखो दिया क्या है, HCF बराबर क्या दिया है, 306 × 657 = 9,
और दूसरा एलसीएम बराबर, एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657। अब क्या हो जाएगा, अब एलसीएम आपको ज्ञात करना है। एलसीएम तो क्या सूत्र इसका होता है, सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एच सी एफ गुणे एल सी एम तो होता है। तो चलो देखो अब क्या हो जाए, पहली संख्या कितनी है 306 लिखो, दूसरी संख्या कितनी है 657, 306 दोनों में है 657 लिखो, बराबर एच सी एफ कितना है 9 दिया है, एच सी एफ जो है वो 9 लिखो, गुणे एल सी एम आपको ज्ञात करना है। एल सी एम ज्ञात करना है तो अब एल सी एम कैसे ज्ञात करेंगे, एल सी एम ज्ञात करने के लिए मित्रों लिखो एल सी एम इजक्ल टू 306 गुणे 657 657 बटे 9 यानी 9 × 9 963 और 2 बज गया 9 × 27 यहाँ पर 3 आ जाएगा 73 आ जाएगा 73। तो एल सी एम बराबर एल सी एम इजक्ल टू 306 गुणे 73 जब करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 22,000 22,338 आएगा। चलो लिखो ये आएगा 22,338 यही आंसर हो जाएगा मित्रों। तो जिसको लिख दीजिए आंसर 22,338 हो गया। चलो लिखो 22,338 है, देखो 22,338 दिया है, देखो सही हो जाएगा 22,338 सही है 22,338। अब क्या हो अगला सवाल है, अगला सवाल 13-14 हो गया। अब देखो 15 सवाल, देखो 15 सवाल है एक्स, अच्छा पहले पढ़ दें इसे सीधे, देखो 15 सवाल है आपका एक्स एक्स माइनस वाई बराबर 8 3x - 16 = 16 इसमें संगत असंगत पूछा है, समीकरण दोनों दिए हैं संगत असंगत पूछा है। चलिए लिख लेते हैं सवाल नंबर 15 हल। चलो अब लिखो सवाल नंबर 15 में क्या है, हाँ 10 8 चलो लिख लेते हैं पूरी सवाल यही है एक्स माइनस वाई इजक्ल टू 8 ये कर दिए समीकरण फर्स्ट, और दूसरा समीकरण क्या है 3x - 3y इजक्ल टू 16। तब क्या करेंगे देखो पहले हम लिखो समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, पहले के लिए तुलना करने पर तो ए वन बराबर क्या आएगा, देखो तुलना करेंगे तो ए वन बराबर आएगा यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लिया जाए एक, अब बी वन बराबर आएगा -1 और सी वन बराबर आएगा 8। अब उसके बाद चलो लिखो फिर अब ए टू एक्स, फिर दूसरा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई समीकरण दो के लिए, ये समीकरण फर्स्ट के लिए था ठीक, अभी समीकरण सेकंड के लिए लिख रहा हूँ। ए टू एक्स लिखो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तुलना जब करोगे एट इसका जब तुलना करोगे देखो 3x है तो खाली क्या बचे x से x कट जाएगा ए टू बराबर आएगा 3 फिर 3 आएगा। अब इसी तरह बी टू बराबर क्या आएगा, बी टू बराबर -3 लिखो, बी टू बराबर -3 और सी टू बराबर आएगा 16 इतना आ गया। तब सूत्र होता है इसका a1 / a2
इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू बराबर सी वन अपान सी टू। तब इसमें संगत असंगत बताना है, तो ए वन कितना है बताओ, ए वन एक, ए टू कितना है तीन, बराबर बी वन कितना है माइनस वन, बी टू कितना है माइनस तीन, और सी वन कितना है आठ, और सी टू सोलह, आठ सोलह। देखो माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, दो एक दो आठ का नाम आठ, आठ दूनी सोलह हो जाएगा। तो देखो पहला का क्या आया, एक बटे तीन इज इक्वल टू एक बटे तीन इज इक्वल टू एक बटे दो। देखो ये दो कामन है मिले, अब ये दो नहीं मिले, ये वाला नहीं मिला, लास्ट वाला, लास्ट वाला जब कटेगा नहीं मिलता तो क्या होता है, ये हो जाए मित्रों असंगत, लिख लो ये असंगत हो जाएगा, लिख दो यहाँ असंगत, असंगत जब लास्ट वाला कटेगा तो असंगत हो जाएगा, बाकी और में संगत होता है। देखो अब असंगत आया है, असंगत ए भी सही है। अब देखो आप अगला सवाल क्या है, पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तीन गुनी हो जाएगी, तो पाँच वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के सात गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु पूछा है, तो लिखो इसका स्क्रीनशॉट लो, सोलह नंबर। चलिए मित्रों अब क्या है, देखो हम इसको डायरेक्ट यहाँ लगाए हैं, अब जो है कई बार हो चुका है, तो चलिए हम देख लेते हैं, चलिए रोक जाऊँ कहाँ पे है, चलो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसमें कर दीजिए सवाल नंबर कितना जो है, देखो हल क्या है, माना जैकब क्या है एक्स वर्ष, उसकी पुत्र क्या है वाई वर्ष, प्रथम शर्त क्या है, पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु, अगर पाँच वर्ष बाद की बात किया है तो क्या हो जाएगा, पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु एक्स प्लस पाँच, बाद कहा है तो प्लस लग जाएगा, और उसके बाद पाँच वर्ष बाद उसकी पुत्र की आयु वाई प्लस पाँच, क्योंकि आप पुत्र की आयु वाई माने हो और जैकब की आयु एक्स माने हो, तो पाँच वर्ष बाद वाई प्लस पाँच, अब क्या कर दो समीकरण बनाएंगे, एक्स प्लस पाँच इंटू थ्री थ्री यही लग जाएगी, वो तीन गुनी की बात किया है, तीन गुनी हो जाएगी, तीन गुनी हो जाएगी ना, कहा है पेपर में, देखो पेपर में कहा है तीन गुनी हो जाएगी, देखो पेपर में क्या कहा है कि उसके पहले कहाँ पे है, तीन गुनी का नाम दिया है, देखो तीन गुनी हो जाएगी, तो तीन गुनी की बात किया है तो गुनी में यहाँ लग जाएगा, तीन यहाँ लग जाएगा, तब समीकरण ये तो वैसे रहेगा, बाकी तीन वाई प्लस तीन पचे पंद्रह हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू पंद्रह, अब देखो पाँच इधर प्लस में है इधर जाएगा माइनस में, तो एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू दस पहला समीकरण बन गया। ऐसे द्वितीय शर्त, अब द्वितीय शर्त क्या है, पाँच वर्ष पूर्व का है, पूर्व मतलब पहले, पहले में क्या है घट जाएगा, चलो अब लिखो इसको, द्वितीय पाँच वर्ष पूर्व का है जैकब की आयु एक्स माइनस पाँच, पुत्री की आयु वाई माइनस पाँच, एक्स माइनस वाई, अब देखो सात गुनी की बात किया है, देखो सात गुनी है, देखो फिर गुनी की बात किया है, जहाँ गुनी की बात करेगा वो लग जाएगा, देखो सात गुनी है, सात गुनी है तो यहाँ पे सात लग जाएगा, फिर वही तरह करोगे सात एक्स माइनस पाँच सात वाई प्लस सात पचे पैंतीस हो जाएगा, इसको फिर देखो यहाँ पे सात वाई है, वाई एक्स है, वाई वाई इधर लाओ माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा बराबर पैंतीस, अब इधर माइनस है प्लस हो जाएगा पाँच, तो इधर क्या है पैंतीस में से पाँच गए तीस आएगा, समीकरण दो बन गया। अब समीकरण फर्स्ट वाला सेकेंड सेम, एक्स माइनस वाई देखो पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है, तब चलो यही बना लेते हैं, घटाओगे एक्स से एक्स कर गया और सात में से तीन गए चार आएगा, या ये बड़ा है ये छोटा, मान देखो ये प्लस है इसलिए माइनस आएगा, अब इधर माइनस माइनस जहाँ प्लस था माइनस हो गया चालीस हो गया, तो वाई बराबर चालीस बटे ये देखो माइनस से माइनस ख़त्म हो गया चार धम्मा चालीस वाई बराबर दस आ गया। अब देखो वाई का मान, अब समीकरण सेकंड वाई का मान समीकरण सेकंड में रखने पर एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस तीस, तो एक्स इक्वल टू सात वाई का मान कितना निकला दस निकला है, देखो दस निकला है दस सत्ते सत्तर इक्वल टू माइनस तीस, तो एक्स बराबर माइनस तीस, अब देखो इधर माइनस है बराबर के बाद जाएगा प्लस में जाएगा सत्तर, अब सत्तर प्लस में है और तीस घटेंगे चालीस वर्ष आएगा, तो मित्रों जैकब की आयु है चालीस वर्ष और उसकी पुत्र की आयु दस वर्ष, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलो दिखाई दे रहा है, उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा मित्रों,
हाँ 10 वर्ष 40 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको पूरा। चलिए तो सवाल नंबर 16 हो गया। अब सवाल नंबर 17 देखो, इसमें आंसर आ भी गया है। देखो क्या है, 40 वर्ष 10 वर्ष आ गया है। अब अगला सवाल देखो, 17 नंबर, 3x + y, 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2, विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। विलोपन विधि मित्रों, इसमें विलोपन विधि लग जाएगी। अब चलिए हम 17 नंबर देखते हैं, विलोपन विधि। चलिए अब चलो यहाँ पे कर देते हैं, देखो चलिए 17 नंबर देखो, 17 नंबर क्या है, 17 हल, हल 17 नंबर, हल 17 में विलोपन विधि लगाना है। देखो थ्री क्या है दिया है, 3x + 4y + 4y बराबर 10 पहला समीकरण है, और दूसरा क्या है, 2x - 2y = 2, कल टू 2। अब विलोपन विधि का है ना, तो बिल्कुल विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि का है ना, तो विलोपन विधि का, विलोपन विधि हो गया। तो चलो अब विलोपन विधि करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट से अब देखो बराबर करो कि, तो ए बराबर करो एक दे बराबर, चलो हम इसी बराबर कर, लिखो समीकरण, समीकरण फर्स्ट में एक से गुणा वह समीकरण, वह समीकरण सेकंड में 2 से गुणा, दो से गुणा करने पर, दो से गुणा करो किसमें, एक में, देखो इसमें गुणा करोगे तो वही आएगा, देखो इसमें गुणा करोगे वही आएगा, एक से गुणा करोगे क्या आएगा पहले में, देखो 3x + 4y = 10 ही रहेगा। अब इसमें 2 से गुणा करो क्या आएगा, 2 × 4, 2 × 4x - 4y, 4y = 2 × 4। चलो अब करिए इसको, अब करेंगे क्या आएगा मित्रों, देखो अब ये समीकरण 3 बन गया, अब ये समीकरण 4 बन गया, सॉरी ये समीकरण नंबर 4 बन गया, ठीक 4 बन गया। तब क्या करेंगे, इसको हल कर लीजिए। अब चलो हल करो, इसी पे हल कर दें, चलो इसी पे हल कर दे रहे हैं, चलो यहाँ पे हल करो। तो क्या हो जाएगा, 4 3, इधर देखो प्लस है माइनस कट गया, इधर 4 3 7, 7x बराबर 10 में 4 जोड़ो 14, तो x बराबर क्या आएगा, 14/7, 7 × 7 = 14, यानी x बराबर आ गया 2 आ गया। और लिखो x का मान, x का मान समीकरण चाहे जिसमें रखो, चाहे एक में रखो या दो में वही आएगा, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, चलो फर्स्ट में रखो, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट समीकरण यही है, फर्स्ट समीकरण लिखो 3x + 4y = 10, इतना है आया 10। तब क्या है, x बराबर 2 रखो, 3 × 2 + 4y = 10, 3 × 6 + 4y = 10, 10 हो जाएगा। तो 4y = 10 - 6, इसलिए 4y = 10 में से 6 गए 4, तो y बराबर आएगा 4/4, 4 × 4 = 1। तो अब जो फाइनल आंसर निकल गया, वाई बराबर क्या है, 1 आया है, यहीं लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं, इसे पिंजड़े बंद करो, बच्चे कहते हैं सर पिंजड़े बंद कर दिया करो। तो x = 2, और y = क्या आया है, 1 आया है, चलो लिखो इसको आंसर करो। उम्मीद करता हूँ मित्रों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि विलोपन विधि है ये। देखो 17 में क्या आया है, 17 में यह है x = 2 और y = 1, पहला विकल्प सही है, x = 2 y = 1।
चलिए अब 18 नंबर भी देख लीजिए इसलिए करते हैं। देखो 18 नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो को विविक्त कर ज्ञात करना है। विविक्त कर, विविक्त कर कैसे ज्ञात करेंगे मित्रों, चलो विविक्त कर आपको बता देते हैं। विविक्त कर यानी डायमेंशन विविक्त कर। चलो हम यहाँ निकाल देते हैं, चलो 18 नंबर लिखो पहले, 18 नंबर क्या है देखो, एक्स स्क्वायर चलो 18 नंबर ऐसे लिख लो, 18 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, जीरो के विविक्त कर, विविक्त कर तो क्या हो जाएगा मित्रों, देखो ए बराबर क्या हो जाएगा, साल्ट कर बता बिल्कुल, ए बराबर एक, अब बी बराबर आएगा, बी बराबर माइनस वन क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स है तो ये माइनस वन मान लिया जाएगा, और सी बराबर आएगा एक। अब इसी प्रकार सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की जगह पे आप रख दीजिए क्या वन का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर गुणे एक मान कितना है एक, अस्सी का मान एक, तो डी बराबर क्या आएगा, डी बराबर देखो ए स्क्वायर लगा है इससे वन माइनस हट जाएगा और उसके बाद फिर आएगा चार का नम चार, तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो चार में से एक गए माइनस है तो माइनस सात माइनस तीन आएगा, माइनस तीन यही कर दीजिए क्या आंसर। चलो लिख लो, देखो आंसर आया है, देखो इसका आंसर कितना आया है, देखो 17 नंबर का पहला सही है, माइनस तीन आया है ना सही है। अब 19 नंबर का देखो, माइनस दो छः और तीन छः के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, 19 नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो उसके बाद हम करें, चलो हम करते हैं मित्रों, अब नोट कर लिए होंगे, चलो अब करते हैं। देखो हम यहाँ पे 19 नंबर लिख देते हैं, 19 नंबर यहाँ पे हल करो, हल यहाँ पे हल 18 का। अब क्या करेंगे हम, देखो अब दो भुजाएं हैं, चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं हम, यानी माइनस दो उसके बाद छः, और दूसरा क्या है तीन माइनस छः के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलो हमें लिख देते हैं इसे, ए बी पहला क्या है देखो माइनस दो छः और दूसरा क्या है तीन छः, ठीक, तो यह क्या हो x1 y1 x2 y2 यही होगा। चलो लो इसका स्क्रीनशॉट, यही होगा। तब क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है दूरी का सूत्र क्या होता है, d इज इक्वल टू दूरी, d बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इतना करिए पहले, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 कितना है तीन, x1 कितना है माइनस दो है तो यहाँ माइनस है ना तो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस दो लगाइए दो का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 कितना है माइनस छः, माइनस y1 कितना है माइनस छः, और छः माइनस के छः को होल स्क्वायर प्लस छः है तो माइनस लग जाएगा। अब उसके बाद भी क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू तीन दो पाँच, पाँच का होल स्क्वायर और उसके बाद फिर अब इधर क्या हो जाएगा, प्लस कर प्लस लगाइए आप, इधर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, अब देखो 12 का होल स्क्वायर तो d इज इक्वल टू पजम 25 प्लस 12 भ्रम 144, तो d इज इक्वल टू कितना है, d इज इक्वल टू जोड़ेंगे तो आएगा 169 आ गया, तो d इज इक्वल टू आएगा क्या, d इज इक्वल टू आएगा 13, यही आंसर हो जाएगा
13 है, 13, हाँ 13 यही आंसर हो जाएगा, लिख लो। तो 169 का वर्गमूल 13 होता है मित्रों, 13 देखो 13 आ रहा है, 13 देखो इसमें आ रहा है ना, ये देखो सही है, डी सही है 13। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों, देखो सवाल नंबर 20, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल ये आ सकता है एग्जाम में। चलिए चलिए अब क्या करते हैं, 19 नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल है, सॉरी 19 हो गया, 20 है, सवाल नंबर 20 लिखो, सवाल नंबर 20। अब इसी के आपको हल करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस सवाल होता है ना, तो ये बार बार पूछे जाते हैं। चलो देखो, एक हम पहले क्या बनाते हैं, मीनार बनाते हैं, चलो फिगर बनाते हैं इसका पहले हम, चलो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक यहाँ से लेके यहाँ तक, अब उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद फिर ए ऐसे हो जाएगा, एच बराबर यहाँ पे कर दिए सी, यहाँ पे कर दीजिए बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे हो जाएगा ए लिखो, एच पूरी ऊंचाई कितनी है, एच संचार मीनार, संचार मीनार हो जाएगा, संचार मीनार, संचार मीनार, और उसके बाद फिर देखो 20 मीटर टोटल है, 20 मीटर ही है, 20 मीटर मीनार लिखो, जब टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 प्लस एक्स, टोटल इसकी ऊंचाई हो जाएगी 20 प्लस एच मीटर कर दो, एच मीटर टोटल इसकी ऊंचाई 20 मीटर प्लस एच हो जाएगी, नोट कर लो इसको, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और नीचे क्या होगा, दूरी कितनी है, एक्स मीटर ले लो, एक्स इसी का आपको ज्ञात करना है, दूरी पूछा है ना, तब क्या लिखेंगे, लिखो संचार मीनार की ऊंचाई एसी बराबर एच मीटर, लिख लो संचार मीनार, संचार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई एसी बराबर, एसी बराबर एच मीटर, एच मीटर, तो त्रिभुज लिखो, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में टेन लिखो, टेन ए बी डी में क्या हो जाएगा, टेन लिखो, टेन देखो ए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा इधर, इधर आधार हो जाएगा क्योंकि इधर ए, चलो पहला पहला 60 कहा है, 60 अंश हो जाएगा, और दूसरा कितना कहा था, 45 अंश, 45 अंश रख दीजिए, लिखो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपान, ए बी अपान बी डी, हाँ बी डी हो जाएगा, बी डी, तो टेन पहले 60 लेंगे, टेन 60 ए, टेन 60 ए, टेन 60 लिखो, टेन 60, टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा, टेन 60 बराबर देखो पूरा क्या है, 20 लिखो, बी ए बी कितना है, ए बी 20 लिखो, 20 प्लस एच अपान एच अपान एक्स, तो टेन 60 का मान आएगा रूट 3 बराबर 20 प्लस एच, 20 प्लस एच अपान एक्स, एक्स तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 20, 20 प्लस एच अपान रूट 3, क्योंकि एक्स बराबर एक्स के साथ भी चला जाएगा 3, ये होगा कि समीकरण फर्स्ट हो गया। अब लिखो क्या, टेन और त्रिभुज, अब क्या बचा है, सी बी डी लिखो, त्रिभुज सी बी डी में, सी बी डी में, तो टेन थी लिखो, टेन थीटा फिर उसी तरह करो जैसे उसमें किए थे, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले लिख लिख लो, ए हाल रहा है, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ, हाँ हाल रहा था ना तो इसलिए,
हाँ टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर 20/x लिखो, 20/x, हाँ 20 है, 20 है और x है 20/x, तो टेन 45 लिखो, टेन 45 बचा था, टेन 45 अंश इजक्ल टू टेन 45 अंश, उसके बाद फिर क्या हो जाए, टेन 45 अंश बराबर 20/x, 20/x, और उसका टेन 45 का एक होता है, एक बराबर 20/x, 1/20x, तो x बराबर आएगा क्या, x बराबर आएगा, x बराबर आएगा 20, x बराबर 20। अब लिखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ये समीकरण कितना बन गया, सेकंड, चलो सेकंड बन गया जी, सेकंड बन गया, लिखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, सेकंड से तो लिखो 20/1 इजक्ल टू 20 प्लस एच आया है ना, ये 20 प्लस एच अपान अंडर रूट 3 ये आ गया है। अब क्या आ गया, अब देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, फिर क्या आ गया, 20 प्लस एच बराबर 20√3, 20√3, 20√3 आ गया। अब उसका फिर देखो एच है, एच का इधर लाओ, एच बराबर, क्योंकि ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, एच बराबर 20, 20 यहाँ है, 20 यहाँ है, कामन करो 20 कामन करो, उसके बाद फिर क्या आएगा, 20√3 इजक्ल टू -20, चलो करो 20 माइनस करो, तो एच बराबर आएगा, एच बराबर 20, एक 20, चलो 20 इधर करो, 20 इधर कर लिए, और उसके बाद ब्रेकेट लगाओ, उधर क्या आएगा 3, अब 20 एकन्नम 20 हो जाए, एक कर दीजिए मीटर। यही मित्रों आप क्या आंसर ज्ञात करना था, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों जो फाइनल इसका आंसर निकल के आया, देखो इसमें कौन सही है, देखिए इसमें पहला विकल्प ए सही है, तो 20 √3 -1 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों ये 20 सवाल बहुत महत्वपूर्ण थे, मैंने 20 सवाल आपको करा दिया हूँ। अब आपको ये सवाल कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मित्रों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पहले भले कम आता हो, लेकिन आता हो भूल गए हूँ, लेकिन इसको देखने के बाद आपको सब कुछ आने लगेगा। और मित्रों कोशिश करिए कि आप पूरा इसको लगा डालिए, 20 से मैंने वीडियो रोक के नहीं देखना है, देखो पूरा देखो तभी समझ पाओगे इसको। चलिए ठीक है मित्रों, आप लोग इतनी देर से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।